अलमेक स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन ग्रेड वन ओपन यूर मैथ्स बुक पेज नंबर वन थर्टी सेवन लेट स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक फर्स्टली यू हैव टू राइट डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द पेज टुडे अवर टॉपिक इज अबाउट कैपेसिटी हमने बताया कि कैपैसिटी क्या होती है किसी चीज़ के अंदर फिल करने की मतलब एक जग है उसमें अगर हम वाटर फिल करें तो उसमें कितनी कैपेसिटी है कि हम उसमें वाटर फिल करें कितना वाटर उसमें आएगा तो उसके जितना वाटर आएगा वो उसकी कैपेसिटी होगी कि वो एंड तक फिल हो जाए द अमाउंट ऑफ लिक्विड लिक्विड किसे कहते हैं जैसे वाटर हो गया मिल्क हो गया उसे हम क्या कहते हैं लिक्विड द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर एक कंटेनर कंटेनर लाइक जग हो गया थर्मस हो गया टब हो गया कंटेनर कैन होल्ड क्या करता है होल्ड करता है इस कॉल्ड इट्स कैपेसिटी कि जितना ज़्यादा उसमें पानी हम डाल सकते हैं वो होल्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं कैपेसिटी उस सब्जेक्ट की क्या है कैपेसिटी आप लोगों ने याद रखना है द अमाउंट ऑफ लिक्विड जो लिक्विड की अमाउंट है अ कंटेनर एक कंटेनर कंटेन contain करता है होल्ड करता है इट्स कॉल्ड अ कैपेसिटी इट्स कॉल्ड इट्स कैपेसिटी वी यूज कप्स मग्स एंड बॉटल्स टू मैयर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड हम क्या यूज़ करते हैं कप्स यूज़ करते हैं मग्स यूज़ करते हैं एंड बॉटल्स यूज करते हैं है, है, है. मैयर करने के लिए क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड बिग कंटेनर्स होल्ड मोर लिक्विड देन स्मॉलर कंटेनर जो बड़े कंटेनर्स होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होल्ड करते हैं बन किसके स्मॉल कंटेनर uh, के जैसे कि थर्मस है इसमें कम वाटर होगा ये जग है उसमें क्या होगा ज्यादा वाटर. वाटर कैपेसिटी होगी उसकी क्योंकि इसमें फोर ग्लासेस ऐड कर सकते हैं और इस थर्मस में कितने ग्लासेस ऐड कर सकते हैं टू ग्लासेस ऐड कर सकते हैं देन हमने क्या करना है आपने बताना है कि कैपेसिटी ऑफ जग कैपेसिटी ऑफ थर्मस कैपेसिटी ऑफ टब एंड कैपेसिटी ऑफ बकेट क्या है हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना देन यू हैव टू राइट द जग कैन होल्ड फोर ग्लासेस ऑफ मिल्क अगर हम जग के अंदर फोर ग्लासेस ऑफ मिल्क ऐड करेंगे तो वो उसको वो उसकी कैपेसिटी क्या होगी फोर ग्लासेस होगी एट द थर्मस कैन होल्ड ग्लासेज ऑफ टू ग्लासेज ऑफ मिल्क कितने ग्लासेज उसने होल्ड किए हैं टू ग्लासेस होल्ड किए हैं तो अब हमने बताना है कि इन दोनों में से कैपैसिटी किसकी ज्यादा है ग्रेटर कैपेसिटी किसकी है सो द कैपेसिटी ऑफ जग इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ थर्मस क्या लिखेंगे हम ग्रेटर जी आर ई ए टी ई आर ग्रेटर द कपैसिटी ऑफ जग इज ग्रेटर दैन द कपेसिटी ऑफ थर्मस क्लियर है कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल द टर्ब कैन होल्ड फिफ्टीन मग्ज ऑफ वाटर देखें एक टर्ब के अगर अंदर हम अगर फिफ्टीन मग्स मतलब फिफ्टीन मग्स हम डालते हैं वाटर के तो उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी मतलब उसमें फिफ्टीन मग्ज हमारा वाटर क्या होगा होल्ड होगा देन यू हैव टू राइट फिफ्टीन हेयर द टर्ब कैन होल्ड फिफ्टीन मग्ज ऑफ वाटर बकेट बकेट किसे कहते हैं बाल्टी जो आप लोगों के घर में यूज होती है बाल्टी उसको कहते हैं जिसमें वाटर रखा जाता है स्टोर किया जाता है देन बाल्टी कितना होल्ड करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हाउ मेनी मग्स आर मैनीयर एट मग्स आर हेयर देन यू हैव टू पुट मग्स फुल एट मग्स ऑन द बकेट देन द आंसर इज गोइंग टू बी द बकेट कैन होल्ड एट मग्स ऑफ वाटर तो बकेट की कैपेसिटी क्या है हमारे पास एट मग्स है और टब की कैपेसिटी क्या है फिफ्टीन मग है तो so, बकेट uh, से जो टब है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे द कैपेसिटी ऑफ द टब इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ मग यू हैव टू राइट ग्रेटर हेयर क्लियर है कम टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर वन थर्टी एट फर्स्टली यू हैव टू राइट डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द पेज अब हमने क्या करना है रिवी एन एक्सरसाइज रिवाइज करना है जो मैंने आप आप लोगों को समझाया अबाउट हाउ लॉन्ग आर दीज ऑब्जेक्ट अब बताना है कि ये लॉन्ग कितना लॉन्ग है देन ये क्लिप्स को काउंट करेंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाउ मेनी क्लिप्स आर हेयर टेन क्लिप्स आर हेयर द कैरेट इज अबाउट डैश पेपर क्लिप्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाउ मेनी क्लिप्स आर हेयर टेन क्लिप्स द कैरेट इज अबाउट टेन क्लिप्स आर हेयर हाउ मेनी क्लिप्स टेन क्लिप्स टेबल

वन देट होल्ड द लीस्ट विथ ब्लू आप लोगों ने क्या करना है एक रेड कलर लेना है देन आप लोगों ने कौन सा कलर लेना है ब्लू कलर लेना है जैसे कि मेरे पास एक ब्लू पेन है देन रेड पेन है आप लोगों ने क्या करना है रेड वाले के साथ सर्कल करना है जो ज्यादा कैपेसिटी है जिस ऑब्जेक्ट uh, की अब इन सब में से सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है उसको हम क्या करेंगे रेड से सर्कल करेंगे ड्रम की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होगी क्योंकि ये ज्यादा वाटर होल्ड करेगा और होल्ड ब्लू से हम क्या करेंगे जो सबसे कम मतलब लीस्ट करेगा होल्ड तो दिस मग इज लीस्ट क्लियर कम टू द नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स अब हमने क्या करना है इस पिक्चर को देखना है और फिल करना है द एप्पल वेट इज अबाउट द एश मार्बल्स ये एप्पल है और यहाँ पे कुछ मार्बल्स रखे हुए अब हमने है वेट क्या है वन टू थ्री फोर फाइव हाउ मेनी मार्बल्स आर हेयर फाइव मार्बल्स आर हेयर अब आप, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि द एप्पल एप्पल का जो वेट है वो किसके इक्वल है फाइव मार्बल्स के इक्वल है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है एक दिया हुआ है जूस पैकेट द अबाउट टू टॉफी मतलब हमने क्या बताना है कि इसका जो वेट है वो किसके कितनी टॉफीज के इक्वल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाउ मेरी कैंडीज आर टॉफीज आर हेयर टेन टॉफीज आर हेयर द जूस पैक वेज अबाउट टेन टॉफीज आर ठीक है मतलब इक्वल कितना है टेन टॉफिस होंगी और वन जूस के इक्वल होगा इन दोनों का वेट इक्वल होगा क्लियर है कम टू पेज नंबर वन थर्टी टू राइट डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द द पेज एंड स्टार्ट टॉपिक मैथ्स मैथ्स वी कैन यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू मई द मैथ्स ऑफ अ नोटबुक हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यूज करके नोटबुक का मैथ्स फाइंड आउट करेंगे मैथ्स किसे कहते हैं वजन फाइंड आउट करेंगे उसका वेट मैस और वेट की तरह मैस वेट की तरह होता है तो अब हमने क्या करना है उसका मैस फाइंड आउट करना है द नोटबुक इज हैवियर एज फोर मार्बल्स मतलब हाउ मैनी मार्बल्स वन पेन में हमारे पास क्या है नोटबुक है द सेकेंड पेन में क्या है हमारे पास मार्बल है तो अगर हम यहाँ पर कितने मार्बल्स पुट करें कि हमारा जो नोटबुक का मैथ हम फाइंड आउट कर सकें उसको एक बैलेंस को क्या कर सके बैलेंस फॉर्म में कर सके मतलब ये वाली लाइन जो होगी वो स्ट्रेट हो जाए तो कितने मार्बल्स यहाँ पर वन टू थ्री फोर हाउ मेनी मार्बल्स आर हियर फोर मार्बल्स आर हियर व्हेन वी पुट वन इन वन पैन अवर नोटबुक एंड द अदर पैन फोर मार्बल्स द वेट इज इक्वल द इक्वल द नोटबुक इज फोर मतलब जो नोटबुक है वो कितनी हैवी है फोर मार्बल्स के हैवी है मतलब अगर हम दूसरे पैन में फोर मार्बल्स फुट करेंगे तो वो एक नोटबुक के वेट के इक्वल होगी तो ये क्या होता है मैं फाइंड आउट करते हैं फाइव क्लोथ पैग कैन बैलेंस द नोटबुक अब हमने बताना है कि दूसरी नोटबुक कितने कितने क्लोथ पैग्स uh, जो क्लिप्स नहीं होती हैं जो मामा uh, जब कपड़े वॉश करती हैं और हैंग करती हैं तो वो क्लिप्स यूज करती हैं तो उसको कहते हैं क्लॉथ पैग द नोटुक इज हैवियर दे नोट इज बुक हैवियर एज अब हमने बताने की कि कितने ब्लॉक्स है यहाँ पर वन टू थ्री हाउ मेनी ब्लॉक्स आर हेयर थ्री ब्लॉक्स आर हेयर हाउ मेनी ब्लॉक्स आर हेयर थ्री ब्लॉक्स आर हेयर अकॉर्डिंग टू इसके हमने मैथ्स को फाइंड आउट कर लेना है की डिफरेंट ऑब्जेक्ट का बैलेंस कैसे करते हैं कि इन दोनों का वेट कैसे इक्वल होगा क्लियर है then आप लोगों क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया तो मैथ्स बताना है मैथ ऑफ कैरेट इज फाइव यूनिट मतलब की फाइव मार्बल्स हैं तो देन फाइव यूनिट के इक्वल होगा कितने मार्बल्स हैं कि एपल का वेट मैथ्स बताना है देन कौन कौन का मैस बताना है अकॉर्डिंग टू ये मार्बल्स काउंट करके आप लोगों ने यहाँ पे राइट करने हैं देन ठीक है then, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये वाला सॉल्व करना है ये आप लोग खुद करेंगे ठीक है जो आप लोगों को समझाया उसी तरीके से ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है थैंक यू फॉर टू लेक्चर अल्लाह हाफिज